सम्राट होटल यहीं बापू रुके हैं, सब लोग मिलने आए हैं, अभी सबसे मिले हैं। पीछे बापू के लिए अस्थाई कुटिया बनाई गई है, कैलाश। जय सिया राम। जय सिया राम। बापू आ चुके हैं। रुद्रप्रयाग से 10 किलोमीटर नीचे ये होटल सम्राट, यहीं पे बापू मुरारी बापू रुके हुए हैं। आज शाम को सबको यहाँ मिलने के लिए बुलाया था 5 बजे, तो 5 बज चुके हैं। सब नीचे इंतजार करें, हम अभी गाड़ी से उतरे जा रहे नीचे। कितनी शान जगह, बढ़िया रोड किनारे। अभी भी बापू का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। देवी माता है, देवी माता है, देवी माता। जिस कृष्ण को मैं जानती हूं, प्रेम का वो रूप है। वो गर्मियों में छांव है और सर्दियों में धूप है। उस कृष्ण के हाथों में तो मुरली ही देखी थी सदा। बजता है कैसे पांचजन्य शंख, उसको क्या पता। वो कृष्ण तो ब्रज में सदा गैया चराता था सके। घोड़ों को रण में हाकना उसको न आता था सके। वो कृष्ण जो बचपन में तो पंचायत से भी टकरा गया। सदियों से होती इंद्र की पूजा को भी रुकवा गया। वो हस्तिनापुर मलय क्षेत्र बहुत प्यारा है और मूल रूप से शांत क्षेत्र है। ये नीचे अलकनंदा बह रही है और हम हैं रुद्रप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर नीचे। ये सम्राट रिसोर्ट है, बिल्कुल एकांत में। आसपास ना कोई दुकानें हैं, ना गांव है, ना सिटी है। यहीं बापू ने चुना है अपना स्टे 9 दिन के लिए रामकथा के दौरान। और आज बापू ने सब लोगों को अपने या निवास पे बुलाया था शाम को 5 बजे, तो महफिल जमी है। लोग जो कोई अपनी रचनाएं होती है वो बैठते हैं, गजल, गीत, कविता, कोई धार्मिक चीज़ें गीता के ऊपर या कुछ साहित्य के ऊपर, जो भी कुछ सुनाना चाहे, तो बापू बड़े गौर से सुनते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं। तो अभी महफिल चल रही है यहाँ पे बापू की। कितना सही जगह, बिल्कुल शांत। रंग रलिया के संग कर।
भारत रंग रलिया, यही बसंत की भेंट संदेश कोयलिया बोले अब, कोयलिया बोले अब, कोयलिया बोले अम्बुआ एक ऐसी महफिल की बात है जहां पे इंसान जाता है और यहां से जो हम महसूस कर रहे हैं, यहां पे जो हम महसूस कर रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा महसूस करता है। यहां पे कैसा है, जैसे कि वो प्यारी मेरी बहन ने बहुत अच्छी दो तीन चीजें गाई और कहीं पे वो सुर के भी बाहर निकल गई और सब लोग ने उसे ऐसा संभाल लिया क्योंकि यहां से एक अमी दृष्टि उसके ऊपर बरस रही थी। तो ये महफिल है। मैं जो महफिल की बात करने वाला हूं वो इससे बिल्कुल विपरीत महफिल है और आप सब ख्वातीन हजरात की हर एक अल्फाज पे मैं तवज्जो चाहूंगा। आनंद बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है और मैंने बापू अभी एक आर्टिकल में लिखा था कि क्यों ना हम मजरू साहब को या आनंद बख्शी साहब को या साहिर साहब को टैगोर साहब के या तुलसीदास जी के बाजू में बिठाना शुरू कर दे, ना शुरू कर। कोई कोई चीजें ऐसी लिखी है ये लोगों, तो ये एक ऐसी चीज है उसका गजल के मीटर में जो आनंद बख्शी साहब ने जो माहौल बांधा है, आप एकदम हवा भी नहीं चल रही है ऐसा समझ के ये अल्फाज पकड़िएगा। मुझे तो मेरी बात तो जाने दो लेकिन अल्फाज पकड़िएगा। कभी पहले न देखा ये कि मैं भूल कर आ गया यहाँ। मैं अजनबी हूँ यहाँ, मैं अजनबी हूँ यहाँ, मैं अजनबी हूँ यहाँ, मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ
बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कहाँ शामों सहरी, कहाँ दिन रात मेरे, बहुत रुसवा हुए यहाँ, मगर मैं आदमी वही सदियों पुराना। मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना, मेरी गुस्ताखियों को खुदाया माफ करना। यहाँ मैं अजनबी हूँ कनकिया, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं, बापू की होटल सम्राट से देखिए व्यू अलकनंदा का। ये रुद्रप्रयाग से लगभग 8 किलोमीटर नीचे हैं हम। कितना शानदार व्यू, अलकनंदा बद्रिकाश्रम से आई है। तो बापू का निवास यही है, सबको बुलाया था शाम को मिलने के लिए, उधर से गाड़ियां नहीं मिल रही थी, फिर गाड़ियों की व्यवस्था हुई, ये लोग पहुंचे हैं इधर। धर्म क्षेत्र कुल क्षेत्र है समावेतायुक्तव माम का पंडवस्ते वा भीमा जन समायति दुर्योधनो विराटस्य रूपष्ट समितिं जय अस्वस्थामाय कर्णस्य सोमदत्तस्य देवच अन्येष भवशूरा वदन्ते च समिता नाना सहस्र बहुणा है सर्वे युक्त विशारथ अपर्याप्तं पदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षित पर्याप्तं दिदमे देश बलं भीष्माभिरक्षित।